कराहल टोल टैक्स पर मुख्यमंत्री हर घर राशन योजना की गाड़ी और स्थानीय लोडिंग वाहनों से भी लिए जा रहे हैं बार बार टोल टैक्स। खबर कराहल से है, जहां श्योपुर शिवपुरी रोड पर बने टोल टैक्स पर मुख्यमंत्री हर घर राशन योजना के तहत राशन वितरित करने वाली गाड़ियों से दिन में दो दो बार टोल टैक्स वसूला जा रहा है। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर रमेश पटेलिया ने बताया कि हमें शासन से राशन वितरित करने के लिए गाड़ी मिली है, तब भी हमसे हर चक्कर पर टोल वसूला जाता है, हमारा पास भी नहीं बनाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोडिंग वाहन चालक किशन गुर्जर ने भी लोकल की गाड़ियां होने के बावजूद भी हर चक्कर पर टोल टैक्स वसूलने के आरोप टोल प्लाजा पर लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 50 किलोमीटर के अंदर इस कंपनी के दो टोल टैक्स हैं, दोनों पर पर्ची काटी जाती है। स्थानीय निवासी आकाश ओझा ने बताया कि टोल टैक्स पर किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, सड़कों की हालत भी बहुत ख़राब है, जगह जगह गड्ढे हैं, टोल पर कोई न कोई एम्बुलेंस और ना ही क्रेन खड़ी दिखाई देती है। जब कभी जाम लग जाता है तो इसके पास जाम हटाने का कोई प्रबंध नहीं है। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने प्लाजा इंचार्ज से बात की तो उन्होंने श्योपुर हेड ऑफिस में बात करने का हवाला दिया और कहा कि हमें जो आदेश हैं हम तो उसका पालन कर रहे हैं। लोकल की गाड़ी होने के लिए लोकल के कागजात होना ज़रूरी है। सर, मेरा नाम रमेश पटेलिया है। क्या परेशानी आ रही है टोल टैक्स पर? सर, मैं इसी एरिया में सर गाड़ी ले जाता हूँ, शेषपुरा तक 20 किलोमीटर के आसपास। तो सर, मेरा हमेशा टोल लिया जाता है सर, जबकि इनके सामने गाड़ी शासन से हमको मिली है, तब भी ये नहीं मानते हैं सर कि गाड़ी तुम्हारी है और ये इनका तो टोल लगेगा, जबकि हम शासन का ही काम कर रहे हैं सर। ये वैसे ये जो भैया कह रहे हैं, जो चालक है गाड़ी के, शासन का काम कर रहे हैं आप, ये दिखाइए। वाकई में यहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का फोटो लगाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये राशन बांटने का ही काम ग्राम ग्राम कर रहे हैं। आपके ग्राम में राशन बांटने जाते हैं केवल? हाँ सर, शासकीय इस गाड़ी से कोई और उपयोग तो नहीं कर रहे हैं? हमेशा सर सरकारी काम करते हैं, शासकीय उचित मूल्य दुकानों से गरीबों के लिए राशन ले जाके वहीं उसी गांव में वितरण करते हैं सर। तो ये टोल टैक्स आप अपनी ही जेब से दे रहे हो? हाँ सर, हमें गाड़ी का कुछ ज़्यादा नहीं मिलता सर, हम केवल ड्राइवर के ही पैसे बच रहे हैं, वो भी हमारे जेब से भरना पड़ता है, इसके चार बार टोल देना पड़ता है सर। तुमने इस बात की शिकायत अपने सीनियर से या जिनके द्वारा गाड़ी प्राप्त हुई उनसे की? हाँ सर, इनसे बात भी कराई, उन्होंने भी कहा कि हाँ ये शासकीय कार्य कर रहे हैं, इनका टोल ना लिया जाए। तो तब भी ये जबरन टोल वसूल रहे हैं? हाँ सर, कभी कभी लड़ाई पर भी उतारू हो जाते होंगे टोल ना देने। हाँ सर, ये तो निकलने ही नहीं देते, मैंने कहा अगर एक आध अब की बार टोल नहीं दिया जाएगा तो अब हम भी लड़ाई करेंगे, ऐसे कहा सर। अच्छा, ऐसे बोला। तो आपने जैसे इनसे कहा होगा कि साल भर के लिए मेरा कुछ ऐसा कर दो जिससे मुझे मिनिमम टोल देना पड़े, ऐसी कभी कोई बात इनसे की आपने? हाँ सर, कहा है। तो इन्होंने भी कहा कि हम लेटर मांगेंगे, तुम उसको लेटर को ले। हम सर कहाँ से लेटर लाएं, ये देंगे तभी। तो मैंने कहा इनसे लेटर आप ही दो, हम मैं साइन उस पर कर रहा हूँ सर। अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि जो 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 प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी इस गाड़ी पर छपे हुए हैं और ये आपका राशन आपके ग्राम वाली योजना के तहत गाड़ी चलाई जा रही है, तब भी इन चालक से लगातार टोल टैक्स वाले टोल वसूल रहे हैं। ये जब टोल नहीं देते हैं तो ये कह रहे हैं कि जी हमसे गाड़ी नहीं निकलने देते हैं और बिल्कुल लड़ने पर भी उतारू हो जाते हैं। अब आप ही बताइए, शासन के ही टोल हैं और शासन का ही काम है, फिर भी ना जाने क्यों इनसे टोल वसूले जा रहे हैं। और अब अभी हमने आते में यहाँ देखा कि रोडों की भी स्थिति ख़राब है, ऐसी कोई विशेष सुविधा भी इनने मुहैया नहीं कराई है, फिर भी बराबर टोल लिए जा रहे हैं। चार बार टोल गाड़ी जाएगी तो चार ही बार पैसा देना पड़ेगा। इन्होंने जो लेटरिन बाथरूम भी सुविधा के नाम पर बनाए, तो आप देख सकते हैं कि एक वॉशरूम एक में तो गेट ही नहीं लगाया गया है, ना महिलाओं के लिए अलग से सुविधा है, ना यहाँ कहीं ठंडे पानी की व्यवस्था दिख रही है। यानी कुल मिलाकर ये किसी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, जबकि टोल नाके पर ऐसी तमाम सारी सुविधाएं होती हैं जब इस टोल नाके यहाँ मंजूर किए जाते हैं। टोल टैक्स जो जनता से लिया जाता है उसकी सुविधा जनता को ही दी जाती है। सड़कों की स्थिति भी ख़राब है, अब देखते हैं कि अब इस प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। हाँ जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम सर आकाश ओझा है। कहाँ के निवासी हो? कराल के। क्या परेशानी है टोल टैक्स को लेकर? सर, टोल टैक्स को लेके ये परेशानी है कि मेरी सब्जी पे गाड़ी चलती है सर, चार गाड़ियां हैं और चारों गाड़ियों के दिन में दो चक्कर लगते हैं तो दोनों बार टोल काटे जाते हैं। हमने इनको कई बार बोल दिया है कि हमारा पास बना दीजिए महीने का जिससे हमें सुविधा हो, दिन में गाड़ी जितनी भी बार आती है उतनी बार टोल कटता है। एक पर्ची का इनसे ये भी बोल दिया है कि 24 घंटे कर दीजिए या उसको या 12 घंटे कर दीजिए, नहीं पर घर हर घंटे में भी गाड़ी जा रही है तो हर घंटे में टोल देना पड़ रहा है। टोल वालों की मनमानी चल रही है, किसी की कोई सुनते नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और बात करते हैं तो थाने की उल्टी धमकी देते हैं, थाने में फ़ोन लगाते हैं। यानी वो तो
टोल की सरहद पार की, तो आपको टोल देना पड़ेगा। आपने इनसे ये बता चुके हो कि ये लोकल की गाड़ियां हैं? बिल्कुल, कई बार बता चुके हैं। जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको भी परिचित हैं, उनको भी पता है, पर उनसे अपन कुछ बोल नहीं सकते। वो तो खुद उनकी दाल रोटी पकाने में लगे हुए हैं, जैसे हम हमारी दाल रोटी पका रहे हैं ऐसी वो दाल रोटी उनकी पका रहे हैं। जो सीनियर है खाने यहाँ पे, वो हमेशा किसी की कोई सुनवाई नहीं करते। उनको कई बार बोल दिया है कि हमारा पास बना दीजिए, जब बोले थे वहाँ आगे टोल था इनका कच्चा बन रहा था, जब बोले कि हमारा टोल आगे बनने जा रहा है, एक महीने दो महीने बाद सुविधाएँ चालू हो जाएंगी, काफ़ी टाइम बाद भी अभी 6 महीने हो चुके हैं, इसके बाद भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती, हर व्यक्ति को इनके तरीके से परेशानी परेशानी है। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि मोटी कमाई हो रही है, तो क्यों पास बनाकर उस कमाई को पतला किया जाए? और आपकी गाड़ी बनवानियां चल रही है, ये देख रहे हैं, ये व्यापारियां कराल के व्यापारियों की बात ये सही है कि व्यापार के तौर पर रोज गाड़ियां जाएंगी, गाड़ी एक दिन में 5 बार भी जाएगी, ज्यादा तो गाड़ी सड़क पर ही रही है, तो बाकी में और जितनी भी दुनिया भर में टोल टैक्स है 24 घंटे की पर्ची अलग होती है, न जाने क्यों अनोखे कराल में और इससे आगे नहीं का एक टोल और है जो सिरसौत के आसपास है, उस पर भी पर्ची देनी पड़ती है, उसकी भी पर्ची देनी पड़ती है। ये 75 किलोमीटर के अंदर 2 बार पर्चियां अपनी कटाते हैं, क्यों भैया? जी 4 बार कटती हैं, 2 बार जाने के आने के, फिर जाती है फिर आती है, 4 बार जाती है तो 4 बार दोनों जगह टोल दिया जाता है। यानी इनकी एक गाड़ी की देखी जाए तो एक गाड़ी 300 नहीं 2 गाड़ी इनकी 600 रुपए रोज टैक्स चुका रही है कराल की सड़कों पर। जी जिसके नाम पर कुछ है, कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं मिलेगा एक गिलास पीने को यहाँ पे, देख लीजिए कितनी असुविधा है, आप देख लीजिए कितनी आपके सामने है सारी चीजें, कितनी असुविधाओं का यहाँ ताता लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, मनमानी टोटल की जा रही है। हमने टोल कर्मचारी से, जो मैनेजर के इंचार्ज में, उनसे भी बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि जो हमारे बड़े मैनेजर चाहेंगे और जो हमारा हेड ऑफिस है श्योपुर में, वहाँ से आप संपर्क कीजिए, मतलब ये यहाँ पे अपनी कोई भी जिम्मेदारी लेते हैं, ये यहाँ पे गोरस के, यानी यहाँ लोकल के ही हो, श्योपुर जिले के हो, कराली रहते हैं। परेशानी आ रही है टोल टैक्स पर? परेशानी है, दोनों टाइम जा रहे हैं, दोनों टाइम टोल कट रहा है। मतलब आपने इनको ये बताया है कि ये लोकल की गाड़ी है, तभी टोल कट रहा है? लोकल का कराली का माल टोल है पूरा, मतलब अगर 4 बार जाओगे तो 4 बार ही टोल देना पड़ेगा? 4 बार जा रहे हैं, 4 बार ही टोल ले रहे हैं। इसकी शिकायत आपने कभी की किसी अधिकारी से? अब कौन को करें थे? हमारे माध्यम से तुम क्या कहना चाहती हो? ये रोड भी बेकार है भाई, क्या कोई सुविधा है नहीं है यहाँ पे। यहाँ आपको कभी ठंडा पानी या क्रेन की सुविधा या कभी आपको सड़क अच्छी मिली यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं। परेशानियों का सबक है, तब भी टोल काटा जा रहा है, रोड पूरा खराब है। के लिए इनसे क्या क्या रिक्वेस्ट की है, क्या क्या बताया? पास के लिए महीने के हिसाब से की, तब भी नहीं करा इनने, मना कर दी इनने। एक तरफ से कितना रुपए का टोल काटती है? 75 रुपए का, यानी 150 रुपए आना जाना है। 150 रुपए दिन में 4 चक्कर करते हैं, दिन में 4 चक्कर करते हो, 300 रुपए इनको देते हो, और 300 किलोमीटर की ये रोड है, और इसके अलावा 600 रुपए इनका टोल है, वो भी नहीं मान करते हैं पर्ची का, वो भी यही पैसे लेते हैं। यानी 75 किलोमीटर की रोड में 2 बार टोल लिया जाता है? जी ठीक है जी, बिल्कुल भैया। दिलशाद खान है जी। सर ये प्लाजा पे आप, सर क्या जिम्मेदारी है आपकी? मैं प्लाजा पे इंचार्ज हूँ, यहाँ पे प्लाजा इंचार्ज हूँ। सर आज एक वीडियो वायरल हो रही है सर काफ़ी ग्रुपों में, जिसमें एक प्रधानमंत्री मोदी जिस पे छपे हुए हैं, जिस गाड़ी पे पोषण आहार का वो काम करती है गाड़ी, वो 3-4 बार अगर कराल से आउटसाइड जाती है, इनसाइड आती है, तो 3-4 बार उनका टोल लिया जाता है। वो कहते हैं कि हमारा टोल नहीं लगता और हमारा पास भी कंपनी नहीं बना रही है। सर क्या परेशानी है, उसका पास क्यों नहीं बना रहे? उसका पास नहीं, उसका लेटर आ जाएगा तो वो गाड़ी भी फ्री हो जाएगी। उसका लेटर आएगा MPRDC से, सील लग के लेटर आएगा तो गाड़ी फ्री हो जाएगी। तो एक वर्ष से सर वो लगातार या 3-4 बार टोल टैक्स दे रहा है सर यहाँ पे, एक साल से? उसको मैंने कई बार बोले हैं, उनको जो भी गाड़ी वाला आता है उसको बोलता हूँ कि MPRDC हेड ऑफिस जाइए आप और अपने गाड़ी के कागज़ लेके जाइए, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप वहाँ बताइए, वहाँ से सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं हमारी। जैसे सर यहाँ जो लोकल की गाड़ियाँ हैं, आउट स्टेशन की बात अपन नहीं करते हैं, लोकल की गाड़ियाँ जैसे एक बार जाएगी वापस आएगी तो 24 घंटे में उसका जितनी बार जाएगी उतनी बार टोल टैक्स कटेगा लोकल की गाड़ी होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितनी बार आएगी उतनी बार टोल कटेगा, बट ये है कि यहाँ से कुछ नहीं होता है। अगर आपको लोकल गाड़ी है जो दिखाने के लिए आपको कागज़ दिखाना पड़ेंगे, कागज़ दिखाने के लिए हमारा ऑफिस है, वहाँ चेक कराना है आपको, अधिकारी को पूरे कागज़ चेक कराने हैं, वो वहाँ से फाइनल करेंगे ये लोकल गाड़ी है, तो वहाँ से जो ऑर्डर होगा वो हम फॉलो करेंगे। हाँ सर आपका ऑफिस अभी? हमारा ऑफिस कलेक्टर के पास सुपर कलेक्ट्रेट के पास। लोकल की गाड़ियाँ तो सर जनरली यहाँ पे जो आपके कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन्हें भी पता है सर किसकी लोकल की गाड़ी है किसकी आउट की गाड़ी है, ये तो सर आप अपने विवेक से भी कर सकते हैं? पता होने से नहीं होता, गाड़ी के कागज़ से होता है, हम लोग मुँह से नहीं मांगते हैं, किसी से पहचान है किसी को जानते हैं उससे नहीं,
हम लोग कागज़ पे बिलीव करते हैं, गाड़ी के कागज़ लोकल के, वो MPRTC ऑफिस में जाए, वो चेक कराए अपने कागज़, वो कितना किलोमीटर कितने दायरे में आ रही है, उसके थ्रू से आप वो फिर ही जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।